वाले हैं लेबर लॉज के बारे में। लेबर लॉज होते क्या है और ये कहाँ डिफाइन किए गए हैं, और हमारे इंडिया में अभी कितने लेबर लॉज हैं जो हमें गवर्न करते हैं, हमारे इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं उनको गवर्न करते हैं। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में अराउंड 50 सेंट्रल लॉज हैं जो सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, लेबर्स को गवर्न करते हैं, और अराउंड 200 स्टेट लॉज हैं। अब लेबर लॉ से लेबर लॉ की डेफिनेशन क्या होती है? लेबर लॉ जो होता है वो एक एम्प्लॉयमेंट लॉ होता है जो हमारे एम्प्लॉयमेंट में जो हमारी सर्विसेज होती हैं उनकी कंडीशंस, उनमें रिस्ट्रिक्शंस और उनमें जो हमारे लीगल राइट्स होते हैं उनको गवर्न करता है। तो जो लेबर रिलेटिंग लॉज होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट जो हमारे इंडिया में है उनके अंदर ये इंडस्ट्रियल लॉ भी कहा जाता है, और ये डिफाइन करते हैं हमारे राइट्स, ऑब्लिगेशन एज अ वर्कर, यूनियन मेंबर्स और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स ऑफ द वर्क प्लेस। ये जो लेबर लॉज होते हैं ये कवर करते हैं इंडस्ट्री रिलेशंस, वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स जो हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर मेंशन होते हैं। तो जो इंडस्ट्री रिलेशंस होते हैं ये कैसे गवर्न करते हैं? जो इंडस्ट्री रिलेशंस होते हैं उसमें सर्टिफिकेशन ऑफ यूनियंस, जो यूनियन बनी होती है, जो हमारे एसोसिएशन बने होते हैं उनको सर्टिफाइड करते हैं लेबर लॉस, और जो लेबर और जो मैनेजमेंट होते हैं, जो इंडस्ट्रीज के अंदर मैनेजमेंट होते हैं उनके रिलेशंस को भी ये लोग डील करते हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको भी गवर्न करते हैं। ऑल्सो वी कैन से जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स जो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर मेंटेन करना जरूरी होता है, जैसे कि हॉलीडेज देना जरूरी है, एनुअल लीव देना जरूरी है, एक वर्किंग आवर्स डिसाइड करने जरूरी है एक एम्प्लॉयज के लिए, अगर वो सर्विसेज के अंदर बाय अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयड हुए हैं तो उनके जो डिसमिसल्स हैं या वो अनफेयर हैं तो वो अनफेयर नहीं होने चाहिए, व्हाट कैटेगराइज की वो अनफेयर डिसमिसल्स हैं, उनकी वेजेस डिसाइड करना, उनके ले ऑफ प्रोसीजर्स और उनका जो पे, हम जो बेसिक पे देते हैं या फिर उनको हम कंपेंसेशन देने की जरूरत होती है, वो सब लेबर लॉस के अंदर मतलब मेंशन होता है। तो अब लेबर लॉस होते किस टाइप के हैं? लेबर लॉस जो होते हैं वो अपने इंडिया के अंदर डिसाइड होते हैं, गवर्न होते हैं एज पर, एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉ होते हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है, ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, और लॉ रिलेटिंग टू वेजेस होते हैं वो मिनिमम वेजेस एक्ट आते हैं, उसके अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आता है। हमारे समाज में जो सिक्योरिटी को लेके हम थोड़े घबराए हुए होते हैं तो सोशल सिक्योरिटी लॉज भी होते हैं जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट आता है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आता है, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट आता है, और जो हमारी जॉब के ड्यूरिंग हमारे वर्किंग आवर्स डिसाइड करता है, हमारी कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड करते हैं उसके अंदर फैक्ट्रीज एक्ट आता है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट आते हैं, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आते हैं, ऐसे बहुत से एक्ट होते हैं। वुमन एम्पावरमेंट के लिए इक्वल रिमुनरेशन एक्ट आते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है, लेबर लॉज में जो प्रोहिबिशन बनाए गए हैं उनके अंदर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आता है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आता है, सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, वर्क प्लेस लेबर एक्ट आता है। तो बेसिकली इंडिया में बहुत सारे लेबर लॉज हैं, हम उन लेबर लॉस के बारे में आज बात करेंगे, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इनकी जरूरत क्या है। आज हमें लेबर लॉस की इंडिया में ऐसी क्या कारण है जिससे कि उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है? तो हमें देखना पड़ेगा कि जो लेबर्स है, जो एम्प्लॉय है, वो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनकी सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए भी लेबर लॉस बनाया जाता है। ये किनको टारगेट करते हैं लेबर लॉस? लेबर लॉस टारगेट करते हैं जो भी एम्प्लॉयज, इधर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हों या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हों या फिर वो रेगुलर एम्प्लॉयज हों या फिर एम्प्लॉयज जो कुछ हम कह सकते हैं डेली वेज एम्प्लॉयज हों, तो ये सब एम्प्लॉयज को कवर करते हैं हमारे लेबर लॉस। तो उससे पहले हमें, मेरा मानना है कि ये जानना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा बाइबल है, वी कैन से दैट, उसमें कौन सी ऐसे प्रोविजंस हैं जो लेबर लॉस को के बारे में बताते हैं? और जैसे आर्टिकल 16 है विच टॉक्स अबाउट इक्वल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट,
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होती है? इसमें ये है कि हमारा चाहे कोई भी धर्म हो, हमारा कोई भी जेंडर हो, कोई भी सेक्स हो, या फिर हम किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, तो हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए हमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, हमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, किसी भी जगह का, किसी भी स्टेट का, अगर वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाए, उनको सबको इक्वलिटी तरीके से देखा जाए लॉ के अंदर। इसलिए ये आर्टिकल 16 जो है जो ये बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अपॉर्चुनिटीज दी जाए। आर्टिकल 19 जी है उसके बाद जो बोलता है कि हम अपना प्रोफेशन, ट्रेड और कोई भी बिजनेस कंट्री में कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो एक आर्टिकल 23 भी है जो ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर वी कैन से, जिनको हम डरा धमका के या फिर जिनको हम किसी कारण से हम उनको काम करवाते रहते हैं अपने पास थोड़े कम पैसे देके, आप कह सकते हैं, या फिर जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनका ट्रैफिक करते हैं हम, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, वुमेन ट्रैफिकिंग हो गया, उन सबको रोकता है आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो फिर फैक्ट्रीज के अंदर ये जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे होते हैं, ये काम नहीं कर सकते। मगर इसमें जो एज स्पेसिफाइड कर रखी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो है 14, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। ये हमारा आर्टिकल, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, संविधान बोलता है हमारे देश का। आज क्योंकि हम लेबर लॉस के बारे में जानना, हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, मगर क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश में बहुत सारे लेबर लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्न करते हैं हमारे कंडीशन सर्विसेज के अंदर, तो उससे पहले हम, क्योंकि हम सब डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम कौन कौन से जो एक्ट हैं जो हमारे सेंटर ने बनाए हैं, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे अपने सेशन के अंदर। उसमें एक अप्रेंटिस एक्ट है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, हम उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन एक्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है और इन एक्ट्स के अंदर क्या, ये कहाँ का एप्लीकेबल है, किन किन पे एप्लीकेबल है, और इसके अंदर क्या ड्यूटीज है एम्प्लॉयर्स की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या ड्यूटीज है एज अ एम्प्लॉय। हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट भी डिस्कस करेंगे आज, हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट डिस्कस करेंगे, हम मिनिमम वेजेस एक्ट डिस्कस करेंगे, हम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अप्रेंटिस एक्ट। अप्रेंटिस एक्ट होता क्या है, ये कहता क्या है? अप्रेंटिस एक्ट 1961 में एनफोर्स्ड हुआ था और इस एक्ट का जो मेन पर्पस है वो टेक्निकली जो क्वालिफाइड, हम कह सकते हैं क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हम कह सकते हैं, वो किसी कंपनी में अगर काम करना चाहते हैं तो एज पर अंडर अप्रेंटिस एक्ट दे कैन अप्लाई, मतलब वो उन कंपनीज के अंदर या उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर या उन फैक्ट्रीज के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन उठता है कि अप्रेंटिस कौन कौन हो सकता है, मतलब हु कैन बी अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस शुड बी ऑफ मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब अप्रेंटिस की एज मिनिमम 14 ईयर्स की होनी जरूरी है एज पर द लॉ, और वो सारे स्टैंडर्ड जो स्पेसिफाई किए गए हैं इन द अप्रेंटिस एक्ट ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल फिटनेस, उनको वो जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनके अंदर आते हैं, ठीक है। और अप्रेंटिस एक बाय कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, जो अप्रेंटिस अपॉइंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वो बाय कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके एम्प्लॉयर और अ स्टूडेंट के बीच के अंदर। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर होना बहुत जरूरी है अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के जरिए, जो कि एक्ट के अंदर स्पेसिफाई होता है। और अगर कोई अप्रेंटिस 18 साल से कम उम्र का है, जैसा मैंने आपको बताया कि 14 साल का मिनिमम एज होना जरूरी है, मगर
14 से 18 चार साल का जो पीरियड है उसके अंदर कोई अप्रेंटिसशिप करना चाहता है तो उस अप्रेंटिस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कौन करेगा? तो दैट कैन बी साइन बाय अ गार्जियन, जो गार्जियन होता है अप्रेंटिस का वो साइन कर सकता है। और अप्रेंटिस को जो पेमेंट्स होती है वो पेमेंट्स एज पर द एक्ट दी जाती है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन होता है। ये सेक्शन 13 ऑफ अप्रेंटिस एक्ट बताता है कि उनको कितना पेमेंट और वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जिससे कि उनको पेमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ विद इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप उनको पेमेंट दिया जाना होगा। लीगल पोजीशन क्या है अप्रेंटिस जो होते हैं उनकी लीगल पोजीशन हमारे लॉ के अंदर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अप्रेंटिस जो होता है वो वर्कमैन नहीं होता, वो एम्प्लॉय नहीं होता। अप्रेंटिस जैसा नाम कहता है वो अप्रेंटिस एक ट्रेनी होता है जो किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सीखने के लिए ज्वाइन करता है, सीखने के लिए आता है। और क्योंकि वो वर्कमैन नहीं होता, एम्प्लॉय नहीं होता, उसको किसी भी तरीके का बोनस, प्रोविडेंट फंड या फिर हम कह सकते हैं ग्रेचुटी, ये उसको दे नहीं होती। उसको कोई भी उसका किसी भी अदर जो बाकी नॉर्मल एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो अप्रेंटिस को नहीं मिले जाते। मगर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं, वो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं अप्रेंटिस के ऊपर भी, कि उसको भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले काम सीखने के लिए। और क्योंकि उसकी सेफ, क्योंकि कुछ फैक्ट्रीज जहाँ पे हजारियस काम होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्री जहाँ पे हम कह सकते हैं हजारियस काम होता है जो प्रिस्क्राइब होती है एज पर द लॉ अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, वहाँ पे उनकी सेफ्टी बनी रहे, वो भी उस फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर सारे सेफ्टी मेजर्स के जो लाभ होते हैं वो अप्रेंटिस को मिलते हैं। अप्रेंटिस कंपनसेशन के लिए भी एंटाइटल होते हैं, जैसे मैंने बताया कि दे ऑल्सो मे seek apprenticeship under any factory which is doing an hazardous work, तो ऐसे में उनको जो compensation होता है वो दे होगा अगर वो during the period of apprenticeship अगर उनको कोई भी problem होती है। और ये section 16 बताता है apprenticeship act का कि अगर कोई problem होती है या कोई disablement होता है उनको during the period of apprenticeship तो उनको compensation मिलेगा। सेक्शन 22(1) ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस राइट नाउ इन दिस सेशन, बिकॉज जो एम्प्लॉयर होता है वो किसी भी ऑब्लिगेशन में नहीं होता कि वो अप्रेंटिस को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप वो उसको जॉब दे। क्योंकि हमने देखा है बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि जो अप्रेंटिस है, जो ट्रेनी है, वो जब कहीं ट्रेनिंग के लिए जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड दे they seek a job in the institution, which is not, I must say that which is not, it cannot be made possible, because आपने जो अपनी training period में काम किया है, वो training period में काम आपका आपके employer को पसंद आया नहीं आया, वो उस employer पे depend करता है कि वो आपको after the completion of training period job देना चाहेगा या नहीं। तो एम्प्लॉयर की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड वो आपको जॉब दे। और ऐसा कहा गया है सेक्शन 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है जो आपको दिया जाता है आपके एम्प्लॉयर द्वारा। और मैंने आपको बताया दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड, मगर हमारे लॉज में टाइम बीइंग ये कहा गया है कि उनको कुछ कह सकते हैं बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए इफ दे अप्लाई फॉर द जॉब। तो ऐसे क्या रिलैक्सेशन है जो उनको दिए जा सकते हैं? उनको एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। सपोज आपने जब अप्रेंटिस ज्वाइन करी, जब आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करी, आपकी उम्र 18 साल की थी, मगर क्योंकि आपने 4 साल तक वहाँ ट्रेनिंग करी, उसके बाद आपकी उम्र 22 साल थी, और जब उस कंपनी ने किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए अपॉइंटमेंट करना चाहा तो उन्होंने मिनिमम एज 21 रख दी। तो क्योंकि अब आप 22 साल के हैं, आप 21 साल की उम्र की पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसे में हमारे लॉ ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं,
क्योंकि वो 4 साल का पीरियड जब वो आपके अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी एज 22 साल हो, 23 साल हो, 24 साल हो, और आपका वो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो काउंट नहीं होगा, मगर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। और क्योंकि आपने किसी कंपनी में काम किया है तो आपको उस कंपनी के बारे में एनवायरमेंट और उनकी वर्किंग कंडीशन और उनके काम के बारे में नॉलेज हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटी होता है, जो फ्रेशर होता है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट देता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता। तो एक आपको अपर हैंड दिया जा सकता है, अगर आप किसी कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो एक आपको बेनिफिट दिया सकता है, एक रिलैक्सेशन दिया सकता है, मगर वो आप उस कारण से किसी भी एम्प्लॉय पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो आपको जॉब पे रखे ही रखे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेक्शन 20 ऑफ अप्रेंटिस एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है ड्यूरिंग द पीरियड और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड, तो आप एक अप्रेंटिसशिप एडवाइजर अपॉइंट होता है गवर्नमेंट का, उसके सामने कंप्लेन करके अपना डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये आप बोलेंगे कि डिस्प्यूट कैसे अरेज हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिसशिप होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आती है। तो जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके क्लॉजेज हैं, जो भी उनको अगर कहीं पे भी कोई भी आप ये कहिए वायलेशन होता है, या कोई भी क्लॉज आपके कोई आपका एम्प्लॉय है वो नहीं मानता है, एम्प्लॉयर है वो नहीं मानता है, तो चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो, दे कैन फाइल दे कैन सीक अ रिड्रेसल एंड दे कैन फॉर लाइक इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट दे कैन यू नो रेज द डिस्प्यूट बिफोर द अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। और इसकी अपील भी फाइल करी जा सकती है विद इन 30 डेज। दूसरा जो हम और बहुत सारे ऑब्लिगेशन हैं जो एम्प्लॉयर्स के भी है और अप्रेंटिस के भी होते हैं, वो इस एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड हैं। दूसरा जो इसके बाद हम एक्ट देखेंगे वो देखेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI एक्ट है। ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट क्या होता है, ये बेसिकली सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, ये हमारी गवर्नमेंट द्वारा इनेक्ट किया गया है इस ऑब्जेक्ट से कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बेनिफिट दिए जाए अगर वो बीमार पड़ते हैं, मैटरनिटी लीव लेनी होती है उनको, या फिर उनको ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई इंजुरी होती है, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी जिसको हम कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी होती है, और इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉयज को कुछ अमाउंट मिलता है जिसको हम कह सकते हैं मेडिकल रिलीफ मिलता है, उनको कैश बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन मिलते हैं, पेंशन उनको मिलता है अगर उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दैट कोर्स, तो उनके डिपेंडेंट्स को मिलता है। अब ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल किस पे है, ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होता है फैक्ट्रीज के अंदर, जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज भी इंक्लूड करता है, मगर सीजनल फैक्ट्रीज इस डेफिनेशन और इस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है सीजनल फैक्ट्रीज के ऊपर। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट पे भी अप्लाइड होता है, शॉप्स जहाँ पे 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, एस्टेब्लिशमेंट भी जहाँ पे 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, एस्टेब्लिशमेंट जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मगर ये इंडियन नेवल सिस्टम और मिलिट्री और एयरफोर्स इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ESI इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडियन नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्सेस। अब कौन लोग ESI स्कीम को का फायदा उठा सकते हैं, तो जो सारे एम्प्लॉयज जो कैजुअल हो, चाहे टेम्पररी अपॉइंटमेंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए हो, और वो सैलरी ले रहे हो 10,000 या उससे कम, तो वो ESI के अंदर कवर्ड हो सकते हैं। और ये जो सीलिंग लिमिट है 10,000 रुपये, ये 2006 के अंदर एक अमेंडमेंट आया था, उसके बाद 7,500 से 10,000 बढ़ा दी गई थी। तो आज एट प्रेजेंट जो 10,000 है, लाइक सम एन एम्प्लॉई हु इज अर्निंग 10,000 और बिलो 10,000 कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। तो ESI स्कीम होती है, इसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, हम बोलेंगे कि हमारी जो सैलरी होती है उस सैलरी में से कुछ परसेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हम स्कीम के अंदर देते हैं, और बाकी हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है।
एट प्रेजेंट 1.75% का जो आपकी सैलरी का 1.75% होता है उस वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, और बाकी 4.75% ऑफ द वेजेस वो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है आपकी सैलरी में, वो आपकी सैलरी में से नहीं जाता, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपकी ईएसआई अकाउंट के अंदर। और जो एम्प्लॉयज 50 रुपए दिन से कम लाइक एम्प्लॉयज वो अर्निंग रुपीज 50 per day दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कंट्रीब्यूशन, तो दे डू नॉट हैव टू मेक एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ईएसआई अकाउंट। अब इस अकाउंट जो स्कीम होती है ईएसआई स्कीम होती है इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इस ESI स्कीम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? पहला है मेडिकल बेनिफिट्स, आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपको कोई बीमारी होती है या फिर कोई इंजरी होती है तो मेडिकल बेनिफिट्स में आपको इन कैश पैसा फिटनेस बेनिफिट मिलते हैं आपको, आपको मेटर्निटी बेनिफिट मिलता है, आपको डिसेबल्ड बेनिफिट मिलता है, और जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं एम्प्लॉयर्स के इन व्यू ऑफ दिस स्कीम ESI स्कीम वो सारे इस एक्ट के अंदर मेंशन है, प्रिस्क्राइब है। और एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा जो ESI एक्ट के अंदर जो भी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब है एम्प्लॉयर्स की एम्प्लॉयज की, और अगर कोई ESI स्कीम नहीं लेता है कोई एम्प्लॉयर दो द सेम इज एप्लीकेबल ऑन देम, तो कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो ESI कोड एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं वहां पे अपना ग्रीवेंस है वो लिखी जा सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने सेशन में अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट EPF एक्ट जो हम बोलते हैं। EPF क्या होता है? ये जो एक्ट है ये हमें बताता है कि जो प्रोविडेंट फंड है पेंशन फंड है और डिपॉजिट्स हम अपने सैलरी में से कटवाते हैं इंश्योरेंस फंड के लिए, वो फैक्ट्रीज और बाकी जो अदर एस्टेब्लिशमेंट है उन सब पे एप्लीकेबल होता है। एस्टेब्लिशमेंट से मेरा मतलब है गवर्नमेंट बॉडीज आल्सो वी कैन से दैट, जो अदर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं से होटल रेस्टोरेंट इफ यू वर्कर एंड दे हैव एम्प्लॉयड मोर देन 20 एम्प्लॉयज, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है मगर ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबिलिटी नहीं है इस एक्ट की। और इस एक्ट के अंदर आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, इस एक्ट के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? पहला बेनिफिट मिलता है आपको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, इसके इस स्कीम में अगर आप इसको अवेल करते हैं इसके बेनिफिट्स को आप चूज करते हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। और EPF जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? तो EPF जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन 12% है जो कटता है एम्प्लॉयज की सैलरी से, और बाकी बचा 12% होता है वो एम्प्लॉयर काटता है और उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, वो पैसा हर महीने वो सैलरी से काट के उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस पीरियड जो आपको वो EPF अमाउंट आप अवेल कर सकते हो, आप ले सकते हो। और आपको पेंशन स्कीम मिलती है इस एक्ट के अंदर। पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनेशन और कंप्लीशन ऑफ सर्विस आपको एक पेंशन मिला जाता है, एक अमाउंट दिया जाता है इस एक्ट के अंदर। और इन केस ऑफ अ डेथ वो अमाउंट आपकी जो डिपेंडेंट है आपकी फैमिली डिपेंडेंट है जो वाइफ है उनको दिया जाता है। जो इसमें डेथ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं EPF के अंदर कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको जो प्रोविडेंट फंड है जो अमाउंट है जो अकाउंट बनाया गया था एम्प्लॉयर द्वारा जिसमें उसने हर महीने उसकी सैलरी से काटे और खुद का जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है वो फैमिली मेम्बर्स को दिया जाता है। तो ये डेथ बेनिफिट भी है एक तरीके से। इस हम एक एक्ट पढ़ेंगे जो सबसे जो बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं उनकी सेफ्टी और मेजर्स को ध्यान में रखता है कि उनकी हेल्थ और उनका वेलफेयर बना रहे और
किसी भी वर्कर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको जो काम करना होता है, जो डेली प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना आए. डेली प्रॉब्लम्स हम बोले जैसे एक फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो फ्रेश, अच्छा वॉशरूम्स हो एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे पूरा आगे जाके. मगर ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, ये जैसा हमने पढ़ा था अभी, हमने जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारे सेशन में कि जो ESI एक्ट था और जो प्रोविडेंट कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, मगर जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है और ये कवर करता है सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, एस्टेब्लिशमेंट जो फैक्ट्रीज की डेफिनेशन के अंदर आती है. फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर फैक्ट्रीज की डेफिनेशन सेक्शन 2M में बताई गई है और फैक्ट्रीज की डेफिनेशन होती है कि जो भी फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, जो बिजली का यूज नहीं ले रही है और 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज एम्प्लॉय कर रखे हैं, तो वो फैक्ट्रीज की डेफिनेशन के अंदर आते हैं. और जहां फैक्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और जहां पे बिजली का यूज नहीं हो रहा है, वहां पे 20 या 20 से ज्यादा. तो डिफरेंस इसमें ये है कि पावर का यूज, जो पावर है, जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज हो रहा है, वो डिफरेंस है. जहां फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी यूसेज हो रहा है वहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग फैक्ट्रीज की डेफिनेशन एम्प्लॉय हैं तो फैक्ट्रीज की डेफिनेशन में आता है और फैक्ट्री को फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. मगर जहां पे पावर का तो फैक्ट्रीज के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है उसमें जो पहला इम्पोर्टेंट है वो यह कहता है कि फैक्ट्री शुड बी कैप्ट क्लीन. फैक्ट्रीज को साफ रखना बहुत जरूरी है. सेक्शन 11 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलता है. एंड जो फैक्ट्रीज के ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई वेस्ट क्रिएट करती है अगर फैक्ट्री, तो उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है, वो सेक्शन 12 बोलता है. फैक्ट्रीज में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. जो फैक्ट्री के अंदर का एनवायरनमेंट है उसमें एक रीजनेबल टेम्परेचर बना के रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए वर्किंग लाइक ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये सेक्शन 13 बोलता है. मतलब जो भी सेफ्टी मेजर्स किसी फैक्ट्रीज के अंदर लेने चाहिए वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर बताए गए हैं. दूसरा, फैक्ट्रीज में बताया गया है वेलफेयर होना चाहिए. वेलफेयर इन द टर्म्स ऑफ की वॉशिंग प्लेसेस होनी चाहिए, सिटिंग प्लेसेस होनी चाहिए. अगर फैक्ट्रीज के अंदर किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए क्लॉथ स्टोरेज होना चाहिए. और हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका खड़े रह के काम करना है किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय खड़े रह के अपना काम आराम से कर सके. और सिटिंग कंडीशंस के अंदर, सिटिंग कंडीशंस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, हम बात कर चुके हैं बारे में. और क्योंकि ये सेफ्टी मेजर्स देखता है फैक्ट्रीज एक्ट, तो ऐसे में जो फर्स्ट एड, अगर ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो जाती है, तो ऐसे में फैक्ट्रीज को सारे मेजर्स लेने चाहिए. फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए. अगर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो एक हम कह सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए. 1000 से ज़्यादा है तो एक एम्बुलेंस खड़ी रखनी चाहिए अपनी फैक्ट्री के अंदर. और तो ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं. फैक्ट्रीज एक्ट और ये भी बताता है आपको कि आपका वर्किंग आवर्स क्या रहेगा. एक वीक के अंदर 48 आवर्स से ज़्यादा मतलब काम नहीं होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर. काम से मेरा मतलब है एक एम्प्लॉई 48 आवर्स से ज़्यादा किसी हफ्ते में काम नहीं करना चाहिए. और जो वीकली हॉलीडे है वो कंपल्सरी है फैक्ट्रीज के अंदर. इसके अंदर वर्किंग आवर्स बता रखा है, ओवर टाइम वेजेस बता रखे हैं. फैक्ट्रीज के अंदर जो वुमेन है, अगर कोई वुमेन एम्प्लॉयड है, तो वुमेन का वर्किंग आवर्स सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में ही होना चाहिए. उसके अलावा वुमेन शुड नॉट वर्क इन दी फैक्ट्री, वो उनकी सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए बोला गया है. और ऐसा हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर बनाया है, ये लॉ बनाया है. मगर क्योंकि लाइक लुकिंग इनटू द प्रेजेंट सिनेरियो, आजकल वुमेन को भी रात को भी काम करना पड़ता है और हम उनको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं, इसीलिए अभी विच इज इन द प्रोसेस राइट नाउ कि जो
एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन की जो वर्किंग कंडीशन बताता है सेक्शन 66, उसके अंदर एक अमेंडमेंट लाया जाए जहाँ पे वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन विच हैज बीन मेंशन एज मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 7 PM दैट कैन बी अमेंडेड और उनको और सेफ एनवायरमेंट दिया जाए फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए. जो भी वर्कमैन काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है फैक्ट्री के अंदर, वो कितनी लीव ले सकते हैं. चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है कि चाइल्ड लेबर शुड नॉट बी देयर. तो 14 ईयर्स से 14 साल से जो कम के बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, मगर मेजर एज है आपकी 18 ईयर्स एज. तो 15 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं बीच के, वो आप किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं अगर वो हैजार्डियस नहीं है फैक्ट्री का काम वो, मगर उनका जो वर्किंग आवर है वो 4.8 पर डे ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब 4.5 घंटे ही कोई 15 साल से 18 साल का बच्चा काम कर सकता है किसी भी फैक्ट्री में. जो हैजार्डियस प्रोसेस होता है, जैसे आपको बताया बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं वो हैजार्डियस काम करती हैं, जहाँ पे केमिकल्स बनाने का पेंट जो पेंट बना रही हैं, तो ऐसे में जो एम्प्लॉई होता है उसको सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट्रीज को देना जरूरी है, एम्प्लॉयर को देना जरूरी है कि क्या कारणों से और किन परिस्थितियों में किसी एम्प्लॉई को वाकई में जो काम किया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर वो प्रॉब्लम कर सकता है उसकी उसकी हेल्थ को, और वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे कोई भी हजारियस काम हो रहा है, जो भी हजारियस हो सकता है, क्योंकि पेंट्स एंड केमिकल्स दे कैन अफेक्ट योर हेल्थ. कैन से एक और एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट के अलावा जो कि आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस गवर्न करता है, वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई एम्प्लॉयर और जो यूनियन बनी होती है, ट्रेड यूनियन जो बनी होती है एम्प्लॉयज की, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट रेज ना हो. डिस्प्यूट से मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी किसी इंडस्ट्री में कोई काम हो रहा है और वहाँ पे किसी एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हो रही है किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट से जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज ने किया हुआ है, जिससे कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉई चाहते हैं एम्प्लॉयज को काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो उनका यूनियन बना होता है एम्प्लॉयज का इन इंडस्ट्रीज के अंदर, वो अपना ग्रीवांस लेके जा सकता है एम्प्लॉयर्स के पास. और अगर वो जो ग्रीवांस है वो एम्प्लॉयर सुलझाने में सक्षम नहीं है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज होता है. तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज हो सकता है और उनका निस्तारण किस तरीके से किया जा सकता है, ये सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है. और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2K ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जो ये बोलता है कि कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस और जो डिस्प्यूट है बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन, मतलब वर्कमैन के बीच में भी कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है. ये एक्ट बताता है कि कंपेंसेशन अगर वर्कमैन को कोई दे है तो वो कंपेंसेशन का अमाउंट कितना दे हो सकता है और किन परिस्थितियों में उनको कंपेंसेशन दे होगा. और जो किसी भी एम्प्लॉई है जिसको हमने इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉई अपॉइंटमेंट दिया हुआ है एम्प्लॉयड है, उसको रिट्रेंच करना हो और ले ऑफ करना हो तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी जरूरी है एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अगर इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उनके अंदर वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो प्रोहिबिट करता है कि ऐसी कोई प्रैक्टिसेस इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं होनी चाहिए. ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एप्लीकेबल पूरे इंडिया में होता है और ये सारी इंडस्ट्रीज में होता है जो बिजनेस कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज का रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड. कहने का मेरा मतलब यह है फैक्ट्रीज के अंदर, जैसा कि हमने अभी सेशन में डिस्कस किया था, कि कोई भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है बिना बिजली को काम में लिए तो वहां पे 20 लोग होना जरूरी है.
और वैसे ही जो बिजली का काम में ले रही है वहां 10 लोग होना जरूरी है, मगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन के अंदर ये जो लॉ है एप्लीकेबल सारी इंडस्ट्रीज में होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड देरिन। तो वहां पे अगर कोई इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन में इंडस्ट्री आती है और वहां पे अगर 4 लोग एम्प्लॉयड हैं तो भी वो उस इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर एप्लीकेबल होगा। इस एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो लेआउट है, लॉकआउट है, रिट्रेंचमेंट है, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जहां पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहां पे इंडस्ट्रीज को फंक्शन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे स्ट्राइक मैंने आपको बताया, लॉकआउट बताया, रिट्रेंचमेंट मैंने आपको बताया। तो वो सब गवर्न करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन को कितना वेजेस देना पड़ेगा। और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, जो ये डिस्प्यूट है वो सेटल किस तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए लेबर कोर्ट्स बने हुए हैं हमारे देश के अंदर, स्टेट्स के अंदर, और लेबर कोर्ट्स डिक्री कर सकते हैं आपके के आपके जो भी आपका जो भी ग्रीवांस होता है अगर आप वहाँ लेके जाते हैं, एक एम्प्लॉय लेके जाता है, और अवार्ड पास होता है पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स पेंडिंग प्रोसीडिंग हाई कोर्ट। इसमें यह है कि अगर आपका कोई भी केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा हो तो आपको एक सेक्शन 17A के अंदर एक आपको एक नॉमिनल सब्सिडेंस अलाउंस दिया जाता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ का लाइवलीहुड, लाइक आप अपने जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं खाने पीना रहना, उनका उनको पा सके उस सैलरी द्वारा, उस अलाउंस द्वारा। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर एक सेक्शन 25F है, वो ये कहता है कि जो रिट्रेंचमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय का, रिट्रेंचमेंट क्या होता है पहली बात, रिट्रेंचमेंट आपको सर्विस से निकाला जाना। तो सर्विस से निकाला जाना क्या होता है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है मगर उसका सुपरएनुएशन आफ्टर द अटेनिंग एज ऑफ सुपरएनुएशन विच इज 3 years उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाती हैं। मगर और आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हो सकती है रिमूवल से, डिसमिसल से, मगर इन किसी कारणों के अलावा अगर आपकी सर्विसेज को खत्म किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है बाय एन एम्प्लॉई, वो रिट्रेंचमेंट किया की डेफिनेशन के अंदर आता है। और कोई एम्प्लॉई जिसको रिट्रेंच किया जाता है, जिसको बिना किसी कारणों से कंपनी से निकालने के लिए कहा जाता है, तो उसको 1 महीने का नोटिस देना बहुत जरूरी होता है और 15 दिन की, 1 साल की, 1 साल में 15 दिन की सैलरी देना जरूरी होता है एज पर सेक्शन 25 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। उसके बाद ही आप किसी एम्प्लॉय को बाय गिविंग प्रॉपर रीजंस और आपको निकाल सकते हैं। अदरवाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता है कि ऐसा कोई डिसमिसल, ऐसा कोई रिट्रेंचमेंट जहाँ पे प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया हो, जहाँ पे 15 दिन का नोटिस नहीं, 15 दिन की सैलरी नहीं दी गई हो, वो रिट्रेंचमेंट गलत होता है। ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर को वापस से उस एम्प्लॉय को जॉब में, सर्विस में रखना पड़ता है और उसको लेबर कोड कंपेंसेशन भी दे सकता है अगर वो सर्विसेज के अंदर वापस से लिए जाने योग्य नहीं है। अब हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। जो ग्रेच्युटी एक्ट है 1972, ये एप्लीकेबल होता है सारे एम्प्लॉयज पे जिन एम्प्लॉयज ने किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी फैक्ट्रीज में, माइंस में, ऑयल फील्ड्स में 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस दी हो। कंटिन्यूस सर्विस में से मेरा कहने का मतलब है कि उनकी सर्विसेज में कोई ब्रेक नहीं दे रहा हो, उन्होंने 1 साल में 240 दिन अपने कंप्लीट किए हों किसी भी फैक्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, मैंने आपको बताया इनके अंदर, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विसेज, ये एक बोनस है, ये एक रिवार्ड है जो एम्प्लॉयर आपको देता है आपकी सर्विसेज के लिए। मगर ये ग्रेच्युटी आप अगर किसी ने 5 साल की सर्विसेज, कंटिन्यूस सर्विसेज नहीं करी है तो उसको नहीं मिल सकता। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो के अकॉर्डिंग आपको ग्रेच्युटी तभी मिलेगी अगर आपने 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस करी है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। और ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बताता है कि किस रेट पे, मतलब जो ग्रेच्युटी अमाउंट है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो रेट ऑफ ग्रेच्युटी किस तरीके से कैलकुलेट होती है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में बताया गया है।
ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर बताया गया है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होती है, कि किस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का अमाउंट कब देना है, और अगर एम्प्लॉयर नहीं दे पाता है तो विद इन अ 1 month पीरियड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ये ग्रेच्युटी दे होती है किसी भी एम्प्लॉय को। मगर अगर इस 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर नहीं दे पाता तो उसको 10% का इंटरेस्ट देना होता है अपने एम्प्लॉय को अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द ग्रेच्युटी। अब हम बात करेंगे वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 के बारे में। वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस एक्ट को इसलिए बनाया गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है जो उसके लिए फैटल होती है, जिससे उसको डिसेबलमेंट हो सकता है, ऐसे में उस एम्प्लॉय को कंपेंसेशन दिया जाता है एज पर दी वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923। अब मैंने अभी हमने डिस्कस किया इस सेशन के अंदर ईएसआई एक्ट जहां एप्लीकेबल होता है 10,000 सैलरी से कम लोगों पे, वहां पे कंपेंसेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। व्हाट आई मीन टू से बाय दिस, जो वर्कमैन ईएसआई एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं उनको वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के अंदर कंपेंसेशन का लाभ और बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, वो एंटाइटल नहीं होते। और ये सेक्शन 52 ऑफ द ईएसआई एक्ट बोलता है कौन सी कंडीशन और परिस्थितियों में जो एम्प्लॉयर होता है वो कंपेंसेशन देने के लिए मना कर सकता है, ये भी एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है। कोई इंजरी किसी एम्प्लॉय को होती है, चाहे वो पार्शल डिसेबलमेंट हो या टोटल डिसेबलमेंट हो, वो जो सिर्फ 3 दिन तक ही रहता है, अगर आप हम कहते हैं मोच आ गई 3 दिन तक, तो उसके लिए कंपेंसेशन नहीं मिलता है। मतलब टेम्पररी इंजरी के लिए कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलता है एम्प्लॉय को। और कोई भी इन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट से काम करते हुए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बार बार क्यों बोल रहा हूँ, हम अब इस एक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लाइक इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर उसको कोई परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो उसको कंपेंसेशन कब नहीं मिल सकता, अगर जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टू परफॉर्म द ड्यूटी द वर्कमैन की तरफ से विलफुल डिसोबीडियंस था। डिसोबीडियंस से मेरे कहने का मतलब है वर्कर की तरफ से किसी इंस्ट्रक्शन को उसने फॉलो नहीं किया जो एम्प्लॉयर की तरफ से कहा गया था कि फॉलो करना जरूरी है, तो ऐसे डिसोबीडियंस विलफुल डिसोबीडियंस में बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर नेग्लिजेंट है और वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अब मगर वर्कर का विलफुल डिसोबीडियंस है किसी इंस्ट्रक्शन को मानने पर तो कंपेंसेशन देना नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि किसी चीज को पकड़ने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको ग्लव्स पहनना जरूरी है, मगर जो एम्प्लॉय होता है वो ग्लव्स नहीं पहनता है और उस चीज को पकड़ने से या उस चीज को हैंडल करने से उसके हाथों में बर्न आ जाता है या फिर परमानेंट इंजरी हो जाती है, तो ऐसे में विलफुल डिसोबीडियंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जब उसको ग्लव्स पहनना जरूरी था उसने ग्लव्स नहीं पहने, तो दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ विलफुल डिसोबीडियंस। और अगर कोई डेथ या इंजरी होती है किसी भी एम्प्लॉय की जो विच इज नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब ऐसे में कंपेंसेशन नहीं दे होता है। अब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, जैसे कि एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे एक ड्राइवर अपॉइंटेड है और उस ड्राइवर का काम ये है कि वो एक्स वाई जेड डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लेके जाता है, मगर ड्यूरिंग द उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये है कि उस एम्प्लॉय एक्स वाई जेड एम्प्लॉय को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ड्रॉप करना, मगर ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर वो घर से ऑफिस अपने उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ड्रॉप करता है और उसके बाद वो गाड़ी लेके किसी एक्स वाई एबीसी अलग
लोकेशन पे चल जाता है और अपना खुद पर्सनल काम कर रहा होता है और वहां उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाता है और वहां उसको कोई इंजुरी हो जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको कंपेंसेशन नहीं देगी। कारण क्योंकि जो उसका एक्सीडेंट था और जो उसको इंजुरी कॉज हुई है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई। ड्यूरिंग ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से मेरा यह मतलब है जिस काम के लिए किसी एम्प्लॉय को किसी वर्कमैन ने सॉरी किसी एम्प्लॉयर ने रखा है वो ड्यूरिंग ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। उस काम के अलावा अगर कोई एम्प्लॉय कोई अलग काम कर रहा है, कोई तीसरा काम कर रहा है जो कि उसके एम्प्लॉयमेंट जो कि उसके स्कोप ऑफ वर्क और उसके नेचर ऑफ वर्क के अंदर नहीं आता है और उस काम को करते वक्त अगर उसका एक्सीडेंट होता है या कोई इंजुरी कॉज होती है तो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आता है। जो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के अंदर बताया गया है और इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी बताए गए हैं वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के अंदर कि जो कनेक्शन है इंजुरी का एक्सीडेंट का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसका ओनर्स प्रूफ करने का होगा एम्प्लॉय के ऊपर कि वो प्रूफ करेगा कि उसको जो इंजुरी कॉज हुई है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है जिससे कि वो कंपेंसेशन लेने कंपेंसेशन वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के अंदर कंपेंसेशन का लाभ उठा सके। वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर्स का फॉल्ट इमेटेरियल है, मतलब कि अगर एम्प्लॉयर्स ने कोई गलती नहीं करी तो एम्प्लॉय ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए अपने एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय ड्यूरिंग लाइक ड्यूरिंग फॉलोइंग लाइक फॉलोइंग द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर अगर कोई एक्सीडेंट होता है अगर कोई इंजुरी होती है जहाँ पे अगर एम्प्लॉय नेग्लिजेंट रहा हो ऐसे में भी एम्प्लॉयर को कंपेंसेशन देना जरूरी है। एम्प्लॉयर का फॉल्ट है या नहीं वो कोई मायने नहीं रखता, वो टोटली इमेटेरियल होता है ऐसे केसेस के अंदर। और वर्कमैन को कंपेंसेशन का लाभ दिया जाएगा अगर वो केयरलेस है नेग्लिजिएंट है, मगर इट शुड बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हाई आई एम सेइंग अगेन, मतलब मैं बार बार एक कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर उसको जो काम करने के लिए रखा गया है उस काम को करते वक्त कोई भी एक्सीडेंट और इंजरी होती है तो उसको कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को, चाहे एम्प्लॉयर नेग्लिजिएंट था या नहीं। जो पेमेंट होता है कंपेंसेशन का वो कमिश्नर के थ्रू होता है और कमिश्नर अपॉइंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो चेक है कंपेंसेशन का वो कमिश्नर को दिया जाता है। कमिश्नर उसका पेमेंट सुनिश्चित करता है कि उसका पेमेंट टाइमली हो जाए जो भी अग्रीव्ड है जो भी इस कंपेंसेशन का लाभ मिलने का पात्र है। अब हम डिस्कस करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट। एक्चुअली इसमें लेबर लॉज में बहुत सारे एक्ट्स हैं और जो सारे एक्ट्स हैं वो एक्ट्स अपने आप में सब बहुत डिटेल्ड हैं। वो ड्यूटीज बताते हैं, वो आपकी पेनल्टीज बताते हैं इफ इन केस एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज ने वो ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो नहीं किया हो। हम अभी सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं जो एक्ट्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उन एक्ट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स दिए गए हैं एम्प्लॉय को अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद एक एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ये कहता है कि हर एम्प्लॉय को एक प्रिस्क्राइब्ड फिक्स्ड मिनिमम वेज मिलना जरूरी होता है चाहे वो कोई सा भी काम कर रहा हो। ये जो मिनिमम वेज है ये फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो टाइमली नोटिफिकेशन निकालती है। ये हर साल बदलता है नॉर्मली। और क्या फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट सोचती है मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए वो इस एक्ट के अंदर बताया गया है, और जो मिनिमम वेज है वो किस तरीके से दी जाती है वो भी इस एक्ट के अंदर बताया हुआ है। जैसे मिनिमम वेज मे बी फिक्स एट टाइम रेट, कोई एम्प्लॉई एक घंटे काम कर रहा है एक दिन के अंदर या चार घंटे काम कर रहा है तो पर आवर उसको कितना वेज देना होगा टाइम रेट के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जा सकता है। पीस रेट के अकॉर्डिंगली मिनिमम वेज डिसाइड किया जा सकता है कि कोई एम्प्लॉय का कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और कोई चीज मैन्युफैक्चर करी जा रही है तो कोई कोई एक पीस को बनाने में
जो उसका वेज है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है, चाहे उस पीस को बनाने में उसको 2 घंटे लगते हो या 3 घंटे लगते हो, मगर अगर वो 1 घंटे में बनाता है तो उसको ज्यादा पेमेंट मिलेगा। मगर उस पीस को बनाने के लिए भी एक निर्धारण तरीका हो सकता है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस के अंदर, और गारंटेड टाइम रेट भी होता है, ओवर टाइम रेट भी होता है कि अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो मिनिमम वेज के अंदर उसका ओवर टाइम रेट का भी एक फैक्टर है जो कंसिडर किया जाता है। ये जो मिनिमम वेज रेट है ये फिक्स की जाती है डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स के, डिफरेंट वर्क्स इन द सेम एम्प्लॉयमेंट, अडल्ट एडोलसेंट चिल्ड्रन, कि जो भी एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय का एज सबका अलग अलग होता है। अगर कोई चिल्ड्रन कोई कोई बच्चा कोई जो 15 साल से 18 साल की उम्र के बीच का हो और वो कोई काम कर रहा हो, तो उस काम को करने के लिए उसका मिनिमम वेज डिफर कर सकता है जो कि किससे, एक मेजर व्यक्ति से जो 18 साल की उम्र से ज्यादा है। एक आदमी का मिनिमम वेज डिफर कर सकता है एक वुमन से जो सेम ही काम कर रहे हो, मगर क्योंकि उनका काम करने की सक्षमता सबकी अलग अलग होती है तो वो सारे फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं एज अ टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस बाय द गवर्नमेंट। एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो फीमेल्स के लिए बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक्ट 2013 में एनफोर्स किया गया था, और एक विशाखा केस था जो कि राजस्थान का, हमारे स्टेट राजस्थान के का ही केस है, जो जिसके कारण गवर्नमेंट को इसकी जरूरत महसूस हुई कि जो वर्क प्लेस है उसके अंदर वुमेन को एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, और ऐसे में उनके लिए कुछ गवर्नमेंट ने हर वर्क प्लेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना हर वर्क प्लेस में हर एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस फैक्ट्रीज इंडस्ट्री सबके लिए जरूरी होता है, जिससे कि एक सेफ एनवायरनमेंट वुमन को फीमेल को दिया जा सके काम करने के लिए। एक कमेटी बनाई गई है एज पर द एक्ट, जो कमेटी डिसाइड करती है, जिस कमेटी अगर कोई वुमन है जो हम कहते हैं कि हु इज फेसिंग अ सेक्सुअल हार्डशिप एट वर्क प्लेस, राइट, तो वो अप्रोच कर सकती है उस कमेटी को और अपनी जो भी प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट वर्क प्लेस वो बता सकती हैं कि ये प्रॉब्लम है जो हमें हो रही है। और उस कमेटी का काम होता है कि वो जो वुमन फेस कर रही है वो ना करे, और जो एलिज्ड एम्प्लॉय है जो वुमेन को लाइक सेक्सुअली हरेस कर रहा है उसको पनिशमेंट दे मिल सके, वो कमेटी का काम होता है। वो कमेटी में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है एज पर दी एक्ट, वो सीनियर वुमेन होती है, कोई सीनियर फीमेल एम्प्लॉय होती है फ्रॉम दी वर्क प्लेस इटसेल्फ, और 2 मेंबर्स और होते हैं जो कमेटी जो कि मेल भी हो सकते हैं, बट दे शुड बी कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमन, मतलब उनका इंटेंशन होना चाहिए कि कि उनका इंटेंशन होना बहुत जरूरी है कि वो एक सेफ और हेल्थी एनवायरनमेंट चाहते हों वर्क प्लेस के अंदर वुमेन के प्रति। एक और मेंबर होता है जो एनजीओ से अपॉइंट किया जाता है, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है, तो टोटल 4 मेंबर होते हैं, एक सीनियर वुमन मेंबर होती है, 2 डिफरेंट मेंबर होते हैं, एंड देन 1 मोर मेंबर हु इज अपॉइंटेड फ्रॉम एन एनजीओ। तो 4 लोगों की कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी होती है, जिसको आप जो वुमन है जो फीमेल एम्प्लॉय है वो अपनी ग्रेवांस रिड्रेसल के लिए उनको कंप्लेन कर सकती है इन रिटर्न, और इंटरनल कमेटी का काम होता है कि वो उस कंप्लेन को सुने समझे और कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो वो करे और उसका प्रॉपर एड्रेसल किया जाए। लेबर लॉज हमारे देश में बहुत सारे हैं, पर जो मेन लेबर लॉज थे वो अभी हमने डिस्कस किए सेशन के अंदर,